हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंदर व्लॉग। हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक, मजे। वेलकम टू अंदर व्लॉग, मलिक तनवीर व्लॉग। भाई सीन हमेशा की तरह टायर्ड है। टुडे इज संडे और हम लोग अब जा रहे हैं प्राइवेट बुकिंग के ऊपर। हम लोग बोले तो मैं और आप, क्या बात है यार। हाँ, संडे को मैं छुट्टी करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता क्या है, 3-4 दिन से मैं प्राइवेट बुकिंग थी तो वहाँ काम खत्म हुआ। तो दूसरी कॉल आ गई कि यार मेरे भाई का निकाह है, तुमने ज़रूर आना है। तो एक्चुअली उसने समझे मुझे बुक करवाया फुल डे के लिए। तो यहाँ भी वही सीन है, नोट भी मिलेंगे, खापा भी मिलेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, जैसे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई मैं रेगुलर कैरी मोबाइल इन ड्राइव के हवाले से वीडियोस डाल रहा हूँ, डेली अर्निंग कर रहा होता हूँ, खुद काम पे जाता हूँ, फिर बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा मेरा आज के दिन। अभी यंग और नहीं लॉन्च हुई है कराची में, इंशाल्लाह एक आधे में उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो, क्या डिटेल दे रहे हैं, क्या बोनस दे रहे हैं, क्या राइड है, क्या पर किलोमीटर दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, वो तो जब आएगी आएगी, अभी तो फिलहाल मज़े करें। अभी बस इंतज़ार है, लोकेशन पे पहुंचा हूँ, बस वो बैठेंगे, फिर हम लोग जाएंगे दुल्हन को पिक करेंगे, फिर इनका शूट है, शूट होगा, फिर रात में इंशाल्लाह खापा छापा होगा। तो वो सब आपको देखने को मिलेगा मेरे व्लॉग पे। तो फिर स्टे ट्यून, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं कुछ पूछूंगा, अगर इसे सही जवाब दे दिया तो उसका नाम मैं अगली वीडियो में मेंशन करूंगा बकायदा उसके चैनल के साथ। तो फिर देखो वीडियो पूरी, मिस मत करना। और ये रही अपनी जान, हमारी पहचान, वाइट टाइगर शेरू। इसने बड़े चीज़ों के साथ दिया है यार, जानी बस थोड़ा सा साथ तो और दें, बस कुछ अर्से तो रुक जाए, फिर जो है ना तेरा शुक्रिया हो जाएगा। क्या बोलूँगा, देखा पेट्रोल की लाइट जल रही थी, तो फिर जैसे हाँ डाल शुरू करो भाई। तो तुम्हें पता है आज पेट्रोल जो है वो क्लाइंट का है, तो अभी फिलहाल 4 रुपये डलवा रहा हूँ उसके खाते पे। जब हम बचत पे जाते हैं ना तो फिर पेट्रोल क्लाइंट का होता है, तो सीन ये है, 4 रुपये का पेट्रोल डलेगा और मैं घर से निकला था जीरो कर गया। अब देखते हैं टोटल कितने किलोमीटर चलती है, फिर अब आज पता लगेगा कि भाई आज पेट्रोल बचाया है या सारा ज़ाया हो गया। देखो मैं पेट्रोल डलवा लिया, मैंने 4 रुपये का पेट्रोल डलवाया आपके सामने, और कहाँ फ्यूल लाइट जल रही थी, और अब देखो कितना है, ऑलमोस्ट हाफ टैंक थोड़ा सा नीचे है। तो ये आया 4000 रुपये का पेट्रोल, जो अब तक मेरी गाड़ी चली है 17 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है अब तक। अब देखते हैं कि पूरा दिन कितने किलोमीटर चलती है। वैसे मैंने उसे कहा था कि सर आप 3 या 3.5 हज़ार रुपये का डलवा लो, तो उसने बोला यार लड़के 3.5, जब मैं 5-5 हज़ार रुपये गाड़ी है रेंट पे कर सकता हूँ तो 500 क्या देखना, तुम 4000 से डलवा लो, बच जाएगा, खैर है, कम नहीं होना चाहिए। हम बोले वहाँ चलो, फिर बंदा बुढ़े यार रुको पेट्रोल डलवाना, तो बुढ़े यार मुझे अच्छा नहीं लगता, इंसल्ट फील होती है, तो 4000 रुपये डलवा देते हैं, बाकी जो ऊपर नीचे होगा हम बाद में कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है ओके, डलवा दो 4000 रुपये का। तो फिर 4000 रुपये पेट्रोल रिफिल हो चुका है गाड़ी के अंदर। भाई उनको छोड़ चुका हूँ, क्लाइंट जो है ना वो सुकून से अंदर उधर शूट हो रहा है उनका दूल्हा दुल्हन का। हम बाहर बैठे हुए गाड़ी में तो तुम्हारा भाई मैच देख रहा है, फुल तबाही मैच बाबा। मुझे लग रहा था स्कोर नहीं बनेगा, लेकिन अच्छा स्कोर बन गया। अभी भी न्यूजीलैंड का 263 8 आउट 49 ओवर्स। चलो देखो क्या होता है, मुझे लग रहा था कि पहले जो है ना ये 150 भी मुश्किल पहुंचेंगे, 150 180 पे ख़त्म हो जाएगी टीम, लेकिन अच्छा ले गया यार। हम ऐसे टाइम पास करते हैं भाई यार, टाइम अभी तुम्हारे सामने 5:30 बज रहा है। चलो भाई आ रहा है लास्ट ओवर का, ये हो रहा है, शमी आया, अब बस सिंगल डबल ही चलेगा भाई। भाई ऑलमोस्ट मगरिब हो गई है और टाइम देखो 6:15, अभी तक हम लोकेशन पे बैठे हुए हैं, यहाँ से कहीं मूव नहीं हुए, इधर ही बैठे हुए हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, वो अंदर शूट करवाते रहे भाई, हम उधर मैच देख रहे हैं, इंडिया की बैटिंग शुरू हो गई है। भाई मुझे लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगी, आई एम 100% श्योर। जो इनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ना वो बड़ा हाई लग रहा है मुझे इंडिया का, क्योंकि मैंने उनकी बैटिंग भी देखी, जो इनकी देख रहा हूँ ना वो शुरू में डर के खेल रहे थे, ये तो चीतों की ना उड़ा उड़ा के फेंक रहे हैं। हाँ क्या होगा जनाब, कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है, हमें तो वो सोच सोच के डर लग रहा है कि अफगानिस्तान से भी ना हार जाए हम लोग यार। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह।
चलो भाई फाइनली बिरयानी आ गई है। ये देखो होए सदन काम थक गया, टाइम देखो 7:30 बज रहे हैं और अब जाके हम दोपहर का खाना खा रहे हैं यार। बिरयानी है, चिकन, ओए चिकन तो नजर नहीं आ रही, चिकन किधर है? अंदर होगी, अंदर होगी। हर एक चीज दिखाना तो मैं भूल ही गया। ये देखो बाबा चटनी भी डाले, फुल रायता शायदा डाल के फुल मजा आ गया। क्या चावल अटक गए, सॉरी भाई चावल अटक गए, चावल अटक गए। तो सीन ये है कि सॉरी यार भाई, बिरयानी शिरयानी खा के फुल वीआईपी मजे करके अभी फ्री हुआ हूँ। और अभी दूल्हा दुल्हन को जो है ना शूट पे गए हुए थे, उनको पिक करके घर छोड़ा है। अभी बस सब फिर रेडी होंगे घर से, दोबारा फ्रेश होके कह रहे फिर हमें शादी हॉल छोड़ना है। तो मैंने बोला ठीक है कोई इशू नहीं है, तुम जाओ। 8 बज रहे, मैंने खाना भी खा लिया। अब 2 घंटे बाद अगर खाना खुलेगा तो फिर क्या मतलब, फिर हम कैसे माल भरेंगे, क्या करेंगे? ये खाना जल्दी हजम हो जाए फिर और माल। कहते हैं कि जो आपके पेट में चला जाए वो आपका अपना है और जो बच जाए वो पराया है। तो चलो कोशिश करेंगे कि शादी हॉल में जितना हो सकता है कुछ चीज़ों को अपना करेंगे। ठीक है, मैंने लोगों से अक्सर सुना है कि भाई खाना पराया पेट तो अपना है, लेकिन कोई बात नहीं यार, यहाँ सब अपना है, जितना खा सकते हैं खाएंगे। तो चलो फिर तुमसे शादी हॉल में मिलता हूँ वहाँ जाके, और देखते हैं कि खाने में क्या क्या सीन है। तो अभी तक मैंने दूर से पूछा नहीं है, वहाँ जाएंगे आपको भी दिखाऊंगा क्या क्या तैयार हो रहा है, क्या बन रहा है, खुशबू लेके बताऊंगा कि क्या फील हो रहा है। शादी और के खाना समझ रहे हो ना, मुफ्त की शराब मुल्ला ना छोड़ा यार, हम क्या यार, दूल्हे को दूल्हा दोनों को छोड़ूंगा अंदर और फिर गाड़ी लगा के फिर तुम्हारा भाई भी शादी और के अंदर चला जाएगा। तो मैं वहाँ का माहौल दिखाऊंगा, शादी शादी होगी क्योंकि लड़के जरा सोबर है, फैमिली सोबर है, पर्दे वाली फैमिली है। मैं अंदर तो गया हूँ, फोटोशूट दिखा सकता था आपको, लेकिन यू नो वो फिर इजाज़त नहीं है ना। मैं तो गया हूँ लेकिन कैमरे की इजाज़त नहीं थी, मैंने कहा छोड़ो यार, तो फायदा नहीं है पब्लिक करना किसी की प्राइवेसी को। तो इस वजह से मैंने फोटोशूट दिखाया नहीं है आपको, वरना दिखाता। खैर शादी हॉल जरूर दिखाऊंगा, अंदर जाऊंगा क्या माहौल है, जितना हो सकता है वो दिखा दूंगा मैं। भाई ये खड़ा अपना वाइट टाइगर शेरू और वो रहा पर्ल बैंक्वेट, इधर शादी है भाई, यहाँ का सीन है। चलो अंदर से दिखा दूँ कि अंदर से हॉल कैसा ही है। देखो भाई दूल्हे की सजी हुई कार, देखो ये किसी और शादी हॉल के बाहर खड़ा हूँ उसका हाल है ये। देखो वाह क्या गाड़ी सजी हुई है माशाल्लाह से, देख रहे हो कोपन है आई थिंक, ये डायहाट्सू की कोपन इसके मॉडल का नेम है। किसी और शादी हॉल में घुस रहा हूँ, उसको मैं दिखाता हूँ हॉल कि कैसे अंदर से एंट्री है, तुम देखना। ये देखो ये तो ऐसी घोल है जैसे मैं इनवाइटेड हूँ, कस्बे इनवाइटेड नहीं हूँ, बस किसी और में घुसा हुआ, ऐसे ही घुसा हुआ मैं। मैं किसी और शादी हॉल में घुसा हुआ था सिर्फ दिखाने के लिए, अब मैं तुम्हें अपने वाला हॉल दिखाता हूँ कि वो हमारा वाला कैसा है। दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है भाई, अभी तो फुल एंट्री हो रही है। ये है भाई काजी साहब आ गए निगाह बढ़ाने के लिए, वो जा रहे हैं काजी साहब को लेकर आए, निकाह बनाएंगे भी काजी साहब। ये है हमारे काजी, निकाह फोन निकाल लो पूरा शॉपर ले जाओगे? हाँ नहीं सही दो शॉपरों में लाते ना तुम भी, ये पागल में अभी लास्ट टाइम लाए थे दो शॉपरों में, अभी एक शॉपर करके लाए। ऐसे यार ये लोग अंदाजा नहीं है यार, तुम भी ये मुझे मुझसे पूछा नहीं ना यार। चलो भाई निकाह डन हो गया, अब ये छुहारे बांटेंगे हमारे भाई। ये देखो निकाह मुबारक, अब शॉपर बोलने के घूमेगा एक ही करके दो इस तरह। अबे एक शॉपर पकड़े एक बांटे हुए इस तरह कर लो। चले ये है भाई आपके सामने निकाह, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको खोलें जरा इसके अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है। खुल जासिम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खोलूँ और सीधा 5,000 रुपये का नोट आ जाए मेरे हाथ में। क्या बात, बिस्मिल्लाह। ये क्या है भाई, ये तो ऐसा लग रहा है कई मज़ारों से लूटा हुआ लंगर है। अच्छा वाह, एक इक्लेयर है भाई, और क्या है, शाही डिलक्स है, और थोड़े से इन्होंने पिशावर वाले बादाम सलाम डाले हुए हैं। टूट रहे और टूट गया भाई, टूट गया सही है। और क्या है, ये क्या है भाई, आलू बुखारे किशमिश छुहारे सब मिक्स हैं इसके अंदर। तो ये निकला है भाई हमारे ख़जाने में से भाई, कोई और एक डब्बा और ला दो यार भाई, ये तो कुछ भी नहीं निकला, ये तो बच्चे खाते हैं भाईजान, बच्चे खाते हैं।
अभी साहब देखो यार, बच्चों जी मेरे को दे दी इन्होंने यार। चले जी टाइम देखो, 11:27 छुहारे हुआ रे बांट दिए। तो मैं काजी साहब को वापस घर छोड़ने गया हुआ था, उन्होंने बोला यार इनको मस्जिद छोड़ के आ जाओ। काजी साहब ने बोला कि यार तुम गाने वाने चला रहे हो, अस्तग़फिरुल्लाह ये क्या पिला रहे हो। तो लड़कों ने बोला इसको घर छोड़ के आ जाओ, खाना वाना पार्सल कर दिया हमने। अब मैं काजी साहब को जो है ना वापस घर छोड़ के अब मैं वापस जा रहा हूँ शादी हॉल की तरफ, क्योंकि वहाँ भी मुफ्ता शुफ्ता है, खाना वाना खाना है, फिर वापस दुल्हा दुल्हन को घर भी छोड़ना है। अभी हमारी ड्यूटी शुरू है, अभी टाइम 3 बजे आया हूँ आपके सामने और अभी टाइम 11:30 बज चुके हैं। और पेट्रोल की सूरत हाल क्या, ये देखो 4000 का पेट्रोल लगवाया था और अब बाकी इतना पड़ा हुआ है, एक क्वार्टर है शायद, एक क्वार्टर थोड़ा सा ऊपर पड़ा हुआ है। हाँ ये देख रहे हो, तो ये सीन है पेट्रोल का। और अभी तक मेरी गाड़ी 56 किलोमीटर चल चुकी है, रात में देखेंगे कि मेरी गाड़ी टोटल कितने किलोमीटर चली है, तो फिर अंदाजा लगाएंगे 4000 रुपये में से हमने कितने का पेट्रोल बचा हमें या नहीं बचा। अंदर पहुँचा, खाना शुरू हुआ है पहले से ही यार, तो तुम्हें दिखा दूँ खाने में क्या क्या मेन्यू है। ये देखो भाई टाइम देखो, 12:06 हो गए हैं और हॉल के लाइट वाइटें बंद कर दिए। अब लोग कुछ ना कुछ आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं, अभी निकलना शुरू है। मुझे लग रहा है मुझे यहाँ से निकलते निकलते हमें 1 बज जाएगा, दूल्हा साथ है ना, सब निकलते हैं, दूल्हा आखिर में निकलते हैं। कहाँ से दी के अकबर ने मेरे सारे घराने को, खुदा का नाम काफी है, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। देखो यार 1:23 हो रहे हैं, वो घड़ी 5 मिनट आ गया मेरी और अभी तक हम फ्री नहीं हुए। देखो ड्यूटियों पे भी बैठे हुए हैं, घर इंतज़ार कर रहे हैं दूल्हे साहब का, दूल्हे साहब ड्रॉप करने आए किसी को, उसके बाद इसको घर ड्रॉप करूँगा फिर मैं अपने घर जाऊँगा। तुम टाइम देखो, ऐसे टफ ड्यूटियाँ होती हैं हमारी, देख रहे हो। सुबह 7-8 बजे का उठता हूँ, घर के काम काज, अपने काम काज, उसके बाद आज 3 बजे यहाँ आया था, 1 बज गया, ड्यूटी ख़त्म हो गई, 10 घंटे का हमारा काम हो रहा है। अब ये ओवर टाइम चल रहा है, लेकिन जिसके पास मैं आया दोस्त यार है, तो इसे ओवर टाइम मांगते हुए शर्म आएगी कि ओवर टाइम दो यार, तो कहीं कहीं फंस जाते हैं। खैर कोई बात नहीं,